चलो उसका आंसर देते हैं हम, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर आएगा रशिया। ओके, इसे आपको राइट करना है। फाइव है, माउंट एवरेस्ट इज इन द ब्लैंक्स रेंज, कहाँ पे है? हिमालय। ओके चलो, सिक्स है, ब्लैंक्स इज फेमस फॉर इट्स कैनल्स, कौन सा आंसर आएगा? वेनिस, बी। सेवन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन द, क्या कहेंगे उसको? डेड सी। एट नंबर है, ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, पता है आपको क्या है? एंजल फॉल बोलते हैं, क्या? एंजल फॉल। नाइन है, ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, कौन सा है लार्जेस्ट ओशियन? पैसिफिक ओशियन, कौन सा? पैसिफिक ओशियन। टेन है, ब्लैंक्स बॉर्डर्स द मोस्ट कंट्रीज, कहाँ पे है? चाइना। ओके तो ये हो गया हमारा चैप्टर फाइव भी कंप्लीट। ओके अभी इसमें सिर्फ रिवीजन और एक्सरसाइज ही देखनी है हमें, तो इसमें आप सबको ही आंसर देने हैं, आपको अपने आप लिखना है आंसर। अगले चैप्टर में हमने जो सीखा है उसका रिवीजन ही है, आप अपने आप ट्राई करना, फिर बाद में मैं इसका पीडीएफ इसके साथ भेज दूंगी। ओके सिर्फ आपको इसका रिवीजन करना है, आंसर ना मिले तो आगे पढ़ लेना है, उसमें से ही आंसर हो गए। ओके अभी हम देखते हैं चैप्टर सिक्स, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, फेमस कैरेक्टर्स। चैप्टर सिक्स फेमस कैरेक्टर्स, आप सब कार्टून देखते हैं ना, कि अभी भी देखते हैं, सब देखते होंगे, देखते हैं ना। चलो फेमस कैरेक्टर्स, व्हेन वी रीड बुक्स वी मीट न्यू पीपल इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, सम ऑफ दिस कैरेक्टर्स बिकम सो डियर टू अस दैट वी कैन नेवर फॉरगेट देम, हमें इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है, हैरी पॉटर की। फिर यहाँ पे है जो हम पहले टीवी में देखते थे मोगली वाली स्टोरी, आपने शायद उसकी फिल्म भी देखी होगी, मूवीज भी देखी है ना मोगली की। फिर पहले जो टीवी सीरियल आता था मालगुडी डेज, उसकी स्टोरी है। चलो मैं इसकी सबकी स्टोरी आपको एक चैप्टर में स्टोरी वाइज दिखाऊँ अपने मोबाइल में, आप सब भी ऐसे सर्च करके देखोगे ना तो आपको भी ऐसे अच्छा लगेगा। ओके चलो, एक मिनट, यस स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास, दिस वीडियो इज फॉर, जो भी स्टोरी है ना ये सब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही हैरी पॉटर मोगली सबकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत, so fill in the blanks given here, so you have to
filled with correct information in this chapter. So let's continue our first character. Image is also given in the book also, and I'll give the images, extra images in the video also. We have seen Harry Potter movie bhi dekhi hogi. So Harry Potter kya hai? Series hai. Ye books hai. Iske 7 parts hai, 7 series hai. And Harry Potter is the title character. Harry Potter kya hai? Naam hai. Jo main character hai, jo lead character hai, usme jo hero hai, uska naam hai Harry Potter. Aur book ka bhi naam hai Harry Potter. So this book is written by J.K. Rowling. So ye jo book hai, ye kisne likhi hai? J.K. Rowling ne. The 7 book series covered 7 years in the life of Harry Potter. तो इस बुक में 7 सीरीज हैं, 7 श्रृंखलाएं हैं, जो कि 7 साल के 7 इयर्स के बारे में बताती है, हैरी पॉटर के लाइफ के 7 इयर्स के बारे में बताती है. एंड द स्टोरी बिगिंस ऑन हिज 11th बर्थडे व्हेन ही फाइंड्स आउट ही इज अ विजार्ड. जब उसको पता चलता है कि वो क्या है, एक विजार्ड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजार्ड? विजार्ड मींस जादूगर. ही अटेंड्स हॉगवर्ट्स School of Witchcraft and Wizardry with his friends Ron Weasley and Hermione Granger. Under the guidance of the friendly headmaster Albus Dumbledore. तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको इसके कैरेक्टर्स के भी नाम पता होंगे. हैरी पॉटर का बेस्ट फ्रेंड कौन था? रॉन विल्सले एंड हरमाइनी. एंड द फ्रेंडली हेडमास्टर वॉज एल्बस डंबलडोर. Now the next one character, Swami and friends. If you recognize this character, अभी तो मुझे नहीं पता ये बच्चे देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन टीवी पे एक सीरियल आता था मालगुडी डेज, जिसमें ये सारी स्टोरीज दिखाई गई हैं. उसमें से ही एक स्टोरी है स्वामी एंड फ्रेंड्स. सो स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण. तो स्वामी एंड फ्रेंड्स किसने लिखी है? आर के नारायण ने. टेल्स द स्टोरी ऑफ 10 ईयर ओल्ड बॉय स्वामीनाथन, जिसमें एक 10 साल के बच्चे की कहानी बताई गई है स्वामीनाथन, एंड हिज फ्रेंड्स मनी, रजम, शंकर, सोमू एंड सैम्यूल. दीज बॉयज ऑल लिव इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी. मतलब मालगुड़ी ऐसा कोई पर्टिकुलर टाउन है नहीं रियल में, ये एक फिक्शनल मीन्स इमेजिनरी टाउन है जो आर के नारायण ने इमेजिन करके अपनी स्टोरी में लिखा है. दैट दीज बॉयज स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स लिविंग इन मालगुड़ी एंड स्टडी इन द एल्बर्ट मिसन स्कूल. द बुक वॉज लेटर अडेप्टेड इन अ टेलीविजन सीरीज, जिसको बाद में, जैसे मैंने बताया कि टेलीविजन सीरीज जो कि आती थी टीवी पे मालगुड़ी डेज में दिखाया गया है. ये सारी स्टोरीज को एक एक पार्ट करके, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो, नहीं तो अभी भी आप इसको देख सकते हैं, नेट पे सारी सीरीज प्रेजेंट है. फॉर विच द स्केचेस वर मेड बाय द रीनोन्ड कार्टूनिस्ट, जिसके लिए स्केचेस किसने दिए थे? मालगुड़ी डेज के जितने भी स्टोरीज है उसके लिए स्केचेस किसने दिए थे? आर के लक्ष्मण. नाउ द थर्ड वन कैरेक्टर इज ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने. एंड दिस टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन बॉय, एक अनाथ बच्चे की कहानी है. ओलिवर ट्विस्ट हु वाज बोर्न इन अ वर्क हाउस, जो एक वर्क हाउस में पैदा हुआ. ओलिवर ट्विस्ट इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डिकेंस ओन लाइफ एक्सपीरियंस. माना जाता है कि जो ओलिवर ट्विस्ट जो बुक लिखी है, जो कैरेक्टर उन्होंने अपनी किताब में दिखाया है चार्ल्स डिकेंस ने, वो उनके खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है या उससे इंस्पायर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन और द फोर्थ कैरेक्टर, यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज दिस कैरेक्टर वेरी इजीली. आई थिंक फोटो देख के, इमेज देख के ये आपको पता चल गया होगा दैट व्हाट द कैरेक्टर इज. सो हु इज ही? इज मोगली. कौन है ये मोगली? मोगली इज द प्रोटैगनिस्ट. What is the meaning of protagonist? Principal or main character? तो ये main lead character है किसमें का? The Jungle Book का. किस किताब का? The Jungle Book was written by Rudyard Kipling.
जिसको किसने लिखा था? रडयार्ड किपलिंग से. सो मोगली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रडयार्ड किपलिंग्स बुक द जंगल बुक. मोगली वॉज लॉस्ट बाय हिज पेरेंट्स इन द जंगल एंड वॉज देन रेज्ड बाय वुल्व्स अलोंग विद हिज फ्रेंड भगीरा द ब्लैक पैंथर एंड हिज टीचर बलू द बियर. I have given the images and hope you all know Bagheera and Baloo and Mowgli. Jungle Book आप सब ने बहुत सारे इसके कार्टून भी मौजूद हैं, इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आप इन सब कैरेक्टर से बहुत अच्छे से जानते होंगे. Who taught Mowgli the law of jungle? Now, the fifth one character, that is Elif. जो हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है उनका नाम क्या है? एलिस. एलिस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ऑथर लेविस कैरोल. तो एलिस क्या है? मेन कैरेक्टर है या प्रिंसिपल मेन कैरेक्टर है किसका? लेविस कैरोल की बुक का एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड. यहाँ जो मैंने इमेज देखी है ये आप देख सकते हैं. तो ये किताब है जिसको लिखा है लेविस कैरोल ने, इसका नाम है एलिस एडवेंचर्स इन दी वंडरलैंड, जिसमें उन्होंने एक गर्ल को इमेजिन किया है, इमेजिन करके स्टोरी लिखी है जिसका नाम है एलिस. एंड थ्रू द लुकिंग ग्लास, और दूसरी उनकी पहली किताब है एलिस एडवेंचर इन दी वंडरलैंड एंड द नेक्स्ट वन इज थ्रू द लुकिंग ग्लास. एलिस फॉल्स डाउन इन टू अ रैबिट होल, जिसमें एलिस किसमें गिर जाती है? एक रैबिट होल में. एंड मीट्स द वाइट रैबिट द किंग क्वीन एंड नेव ऑफ हर्ट्स. और वहाँ पे जाके वो रैबिट होल में जाने के बाद किससे मिलती है? वाइट रैबिट से मिलती है, किंग से मिलती है, क्वीन से मिलती है एंड वन मोर कैरेक्टर इज देयर दैट इज नेव ऑफ हर्ट्स. वैसे नेव का मीनिंग क्या होता है? धूर्त, मूर्ख. ठीक है, तो दिस चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट. सो रीड द चैप्टर प्रॉपरली. आई विल गिव द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. होप यू लर्न दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया सब स्टोरी है. आप सब अपने फोन पे भी ऐसे देख सकते हैं. तो इसके सबके आंसर, ब्लैंक्स के आंसर मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी. हैरी पॉटर की स्टोरी है, मोगली वाली स्टोरी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स वाली स्टोरी है. तो मोगली वाली भी बहुत है. फिर पहले के समय में ऐसी टीवी पर सीरियल आती थी मालगुडी डेज वाली, आपके पेरेंट्स ने शायद देखी होगी, वो भी बहुत बड़ी स्टोरी थी. तो आपको ऐसी स्टोरी यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. ओके, तो ये हो गया चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट. यहाँ की ब्लैंक सबको पीडीएफ में मिल जाएगी. आपको सब आंसर पढ़ते जाना है और लिखते जाना है. ओके, उसके बाद है पेज नंबर 9 पर ऐसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू रेस्क्यू द लॉस्ट बॉय. यहाँ पे जो लड़के का पिक्चर दिखाया है उसके बारे में उसको यहाँ तक पहुँचाना है. और यहाँ पे जो बीच बीच में पिक्चर्स दिखा है वो भी आपको देखने हैं और कैसे ऐसे इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है. ओके, तो फ्लाई योर प्लेन थ्रू द मेज द रेस्क्यूज द लॉस्ट बॉय. तो ये लड़के को यहाँ तक हमें गार्डन में उसका फ्रेंड इंतज़ार कर रहा है, देखो वहाँ तक पहुँचाना है. ओके, तो आप अपने आप ट्राई करना कैसे ऐसे सोल्व करना क्वेश्चन. ओके, मैं इसको पीडीएफ में फिर आंसर भेज दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय. तो पेज नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया. गुड बाय, टेक केयर.